फर्नीचर और इंटीरियर को खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन लेमिनेट लगाते समय कुछ असावधानियों के कारण या जानकारी के अभाव में कुछ समस्याएं आ जाती हैं जो हमारे फर्नीचर के लुक को खराब करती हैं। पहली समस्या जो ज़्यादातर देखी जाती है कि लेमिनेट पेस्ट होने के बाद उसमें बबल आ जाता है। आइए जानते हैं कि लेमिनेट में बबल क्यों बनते हैं और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। जब कभी भी लेमिनेट एक बड़े एरिया में लगाए जाते हैं तब अक्सर देखा गया है कि नमी के कारण इनके जोड़ पर बबल आ जाते हैं। इस तरह के बबल आने का कारण जुड़े हुए लेमिनेट में गैप का ना होना है, जिसके कारण नमी आने पर या टेम्परेचर में बदलाव होने पर लेमिनेट फैलते या सिकुड़ते हैं और गैप के अभाव में एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, जिसके कारण बबल आते हैं। अब इस तरह के बबल को दूर करना काफी आसान है। इसके लिए दो लेमिनेट को जोड़ते वक्त दोनों लेमिनेट में कम से कम 2 mm का गैप जरूर रखें। अब अगर लेमिनेट फैल गया तो भी ओवरलैप नहीं होगा और इस तरह बबल नहीं बनेगा। जब कभी वर्टिकल पैनल में लेमिनेट को जोड़ें तो लेमिनेट की साइज 2 फीट चौड़ाई और 8 फीट लंबाई से ज्यादा ना रखें। जब कभी आप लेमिनेट मंगवाएं और उसे कुछ दिनों के लिए स्टोर करना तो लेमिनेट के रोल को 2 18 mm प्लाई के बीच दबाकर फ्लैट सतह पर रखें। इस प्रकार की कुछ सावधानियों को अपनाने से लेमिनेट में बबल की समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर बबल आ भी जाए, चाहे वो छोटे हो या बड़े, तो कुछ उपाय करके उन्हें भी दूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं छोटे बबल को कैसे दूर करें। छोटे बबल को दूर करने के लिए अच्छी क्वालिटी का हॉट एयर गन का इस्तेमाल करें। हेयर ड्रायर या लो क्वालिटी एयर गन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब जहां पर बबल है वहां हॉट एयर गन से 45 से 50 सेकंड तक गर्म हवा छोड़ें। फिर इसके बाद गीले कपड़े को दोनों हाथों से भरपूर दबाव के साथ बबल पर अर्ध गोलाकार आकार में घुमाएं। इस प्रकार बबल बिल्कुल चला जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो ये प्रक्रिया फिर से दोहराएं, जब तक बबल पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। अगर एक बड़े बबल की समस्या है तो इसे दूर करने के लिए 19-20 साइज की छोटी कील लें और बड़े बबल में एक छोटी सुराख करें। अब हार्ड गन से 8 इंच की दूरी से इस पर गर्म हवा छोड़ें। बड़े बबल होने के कारण इसके आधे भाग पर गर्म हवा छोड़ें, फिर गीले कपड़े को लेकर दोनों हाथों से आधे भाग पर रगड़ें और इसके ठीक होने के बाद यही प्रक्रिया दूसरे भाग पर अपनाएं। इस प्रकार लेमिनेट के बबल को आसानी से दूर करें और बिल्कुल स्मूथ फिनिश पाएं। अगर कोई बबल इन दोनों तरीकों से ना ठीक हो रहा हो तो ऐसे बबल को दूर करने के लिए बबल के ऊपर और नीचे 17 इंच की कील से सुराख करें। फेविकोल स्पीडेक्स या फेविकोल मरीन थोड़ा पानी मिलाकर पतला करें और फिर इस एडहेसिव को सिरिंज की सहायता से बबल के ऊपरी सुराख में इंजेक्ट करें। इसके बाद गीले कपड़े को लेकर दोनों हाथों से बबल के ऊपर से नीचे की ओर भारी दबाव डालें, जिससे एक्स्ट्रा एडहेसिव नीचे की सुराख से निकल जाए। हमेशा की तरह हॉट एयर गन से 45 से 50 सेकंड तक हॉट एयर छोड़ें, फिर गीले कपड़े को लेकर दोनों हाथों से दबाव बनाते हुए बबल को ठीक करें। तो इस प्रकार आप कुछ सावधानियों का ख्याल रखकर बबल से छुटकारा पा सकते हैं और अगर किसी कारणवश बबल आ भी गया तो इसे उपरोक्त सावधानियों को अपनाकर दूर कर सकते हैं।